एचसी वर्मा डे सेशन चालू हो गया है। पीछे से गेट बंद कर दो, कोई भाग नहीं आए। आ जाओ एचसी वर्मा, प्रश्न नंबर 51 52 अरे 52 53 काम कराई नहीं है, आज नहीं भी करा होगा तो मैं गिनती गिन दूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। 54 54 अरे 54 अरे हैं? कौन सा डाउट है? 54 डाउट है। द मैग्नेटिक फील्ड इन 53 तक कोई तकलीफ? पक्की बात। 54 द मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय बी वेक्टर इक्वल्स टू के कैप बी नॉट एल वाई के, वेयर एल इज ए फिक्स्ड लेंथ। अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल लाइज अलोंग द वाई एक्सिस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट 0, L, 0 L कहां पे है? Y में है ना, उसने क्या बोला 0, L, 0 द रॉड मूव्स विद वेलोसिटी V इक्वल्स टू V नॉट अगेन फाइंड द इमेज। सिंपल से सवाल है, अगर आप ध्यान दें तो आपकी रॉड ऐसे एक्स वाई एक्सिस है, ये आपकी रॉड है बेसिकली, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस और ये अपनी जेड एक्सिस। अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो आपकी रॉड ऐसे है जो बेसिकली ऐसे, ये ग्रीन वाली अपनी रॉड है, ऐसे है लेंथ, ऐसे देखो देखो देख लो सब लोग, ऐसे वी नॉट से चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? एक ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वी नॉट बाई एल वाई, वी नॉट बाई एल वाई, मतलब वो वाई के साथ वेरी। अब उसने क्या पूछा आपसे? उसने पूछा फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिंपल सी बात, क्या फॉर्मूला होता है वी बी एल, पर क्या वाई के साथ बी वेरी कर रहा है? तो क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट। क्या कर लेंगे? वाई पे जाके डीवाई का क्या ले लें? एलिमेंट। वाई पे जाके डीवाई का क्या ले लें? इस एलिमेंट में जो छोटा सा इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो आएगा वी बी एल। क्या आएगा? तो वी नॉट एल बाई वाई डी वाई। बोल यस और नो। वी नॉट बी, बी हो गया, एल हो गया, बोल यस और नो। वाई का इंटीग्रेशन यस सर नी, जीरो टू एल, जीरो टू। क्या आंसर निकल आया? अरे हाँ ना बोल, क्या आंसर निकल आया? सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बस आंसर आ गया। कौन सा सवाल था ये? 54 आपके सामने, 55 आवाज नहीं है, 55 अरे सोच लो, अरे 55 अरे 56 अरे 56 55 कोई दिक्कत? मुझे लगा फाइंड द मोशन ईएमएफ याद कर, 55 के मैंने क्लास में कराया था यार। तो तुम लोग बिना काम के आ जाते हो यार, अभी गुस्सा आएगा ना मेरा, एक घंटे तक भाषण सुनाऊंगा मैं। तो याद कर, इसमें जो इंड्यूस में निकाला था वो निकाला था जो 50 आपने 53 में जो 55 में जो निकाला होगा वो क्या एक्स पे जाके डीएक्स, एक्स पे जाके हमने निकाला था। अब हम उसने 50 कौन सा सवाल है, 56 वाला सवाल ध्यान से, 56 वाले सवाल में थोड़ा और बहुत अरेंजमेंट करा। ये जो वायर है, ये जो कंडक्शन सिमिलर टू द प्रीवियस रोल ऑन एक्सपर्ट द एंड्स ऑफ द रॉड स्लाइड ऑन अ पेयर ऑफ थिक मेटलिक रेल्स लेट पैरेलल टू द वायर एट वन एंड ऑफ द रेल्स आर कनेक्टेड बाय रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर वॉट फोर्स एट वन एंड द रेल्स आर कनेक्टेड बाय रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर वॉट फोर्स इज नीडेड टू कीप द रॉड स्लाइडिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी इन द सिचुएशन वॉट इज द करंट इन द रेजिस्टेंस आर फाइंड द रेट ऑफ हीट सिंपल ध्यान देखिए इधर ऐसे आपकी रेल्स है जिसपे आपका वायर ऐसे चल रही है ऐसे वी रफ्तार से और यहां पे आपकी क्या है रेजिस्टेंस। क्या इसमें मोशनली ईएमएफ आप निकाल चुके हो? अरे तो पिछले टाइम पिछली बार पे निकाला ना आपने जो 55 का आंसर है, किसका आंसर है? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, तो करंट क्या होगा? वही जो 55 का आंसर है अपॉन आर, 55 का जो आंसर है अपॉन करंट आ गया, तो इसमें फोर्स कितना चाहिए? आईएलवी कितना चाहिए? तो फाइंड द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द रेजिस्टर आई स्क्वायर आर, अरे कितना? डी पार्ट फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट एक्साइटिंग एफ डॉट वी, अरे कितना? देख सारे आंसर छपन के देख, देख ओरली आ रहे हैं, देख ध्यान से, तू समझ ही नहीं पाया बस। देख 55 का बटे बाई आर ए पार्ट का आंसर, देख ए पार्ट में क्या पूछा इन्होंने, व्हाट फोर्स, व्हाट फोर्स, और बी में क्या पूछा है? करंट। पहले तो बी, बी पार्ट देखो सबसे पहले, क्या बी पार्ट होगा? सिंपली मोशनल ईएमएफ, 55 हुआ ना तुमसे, एक्स पे जाके डीएक्स, मोशनल ईएमएफ
अपॉन मोशन ई एम एफ आर, बोल करंट हुआ कि नहीं हुआ? yes, हुआ ना, तो देख बी पार्ट का आंसर, देख 55 का आंसर बटे आर। yes, अरे आ गया ना। yes, अरे आया कि नहीं आया? yes, आया ना। अब जब इसमें करंट ऐसे बहने लगा तो जो अपने को फोर्स चाहिए, मान लो करंट, मान लो बैटरी ऐसे बनी थी, मान लो ऐसे गए, ऐसे घुपच घुपच घुपच, ऐसे उजगमा इजगमा ओ नरमा, ये 55 का आंसर ई। अरे हाँ ना बोल ई। तो यहाँ पे करंट कितना आया? ई बाई आर। कितना करंट ऐसे बह रहा है? बोलो यस और नो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं आया? आया नहीं आया? अब मेरी बात सुनना, जो आई एल बी है क्या है? आई तो आई गया, अब आई एल बी निकालने डायरेक्ट लिखते हैं कि फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब तो ध्यान दे, तो आई एल बी फोर्स निकालने के लिए आप कैसे करोगे? ऐसे ना, ये वायर ऐसे, ये वायर, ये आई, आई तो ये रहा ई बाई आर। अब इसमें आई एल बी फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से इंटीग्रेट, क्योंकि बी तो वेरिएबल है फिर से। अरे नहीं आया, तो डायरेक्ट आई एल बी लिखते हैं कि आई एल सॉरी आई डी एक्स बी, और बी क्या म्यूनोटाइप है 2πx, फिर इंटीग्रेट करो उसे। अरे यार, तो ध्यान से देख, उसी तरह इंटीग्रेशन आया था जैसा वीबीएल में आएगा। तो जो वीबीएल में आंसर आया था उसके स्क्वायर में कुछ आएगा, देख देख आ रहा है आंसर, देख ए पार्ट का आंसर देख। अरे यार, तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ। अरे जब वापस आईएलबी लिखोगे तो वापस से आपको फोर्स लगाना, फोर्स निकालने के लिए डायरेक्ट आईएलबी थोड़ी दे सकते हैं, क्योंकि बी कॉन्स्टेंट, तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और आई तो आपको है ही, जो मैंने अभी अभी बताया ई बाई आर। अरे नहीं आया, अब फिर से क्या करेंगे? इंटीग्रेट। क्या करेंगे करके बताओ, मैं समझ आ गया? आया नहीं आया? अब सी पार्ट, हीट, हीट क्या आई स्क्वायर आर और पावर एफ डॉट वी, तो चमका यार। हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? उतार लो जो तुम्हें अच्छा लगा, जो अच्छा लगा उतार लो, शर्माओ मत, आज शर्माओगे जीवन भर शर्माना पड़ेगा, घबराओ मत, अपना ही मास्टर है, फोन करो घर आएगा पीछे लेके, ए बैट ए बी बैट सी बैट। युगांडा बहुत 56 हो गया क्या? yes, 57 58 सोच लो। yes, पक्का? yes, गारंटी? yes, 59 59 आवाज़ नहीं 59 सोच लो। yes, 59 60 कौन पूछ रहा है 60? मैं जानना चाहता हूँ 60 कौन है, मैं जानना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ मैं उससे पर्सनली, कैबिन में आना तू मेरे, आना प्लीज आना, टेम्पो वाली शक्ल वाले आदमी तू आना जरूर, आज तेरे ट्रक के नीचे बैठा के लेटा के मारा नहीं मैं देखना तू साला। तू लड़ाई करा रही है उन दोनों के बीच में? 61 62 ये मैंने बताया नहीं था यार। अच्छा उसके पहले मैं चालू हो गया था। अच्छा ठीक, 62 है वैसे ही सवाल, पर बड़ा अच्छा है बताया तो मैं आपको, ध्यान सुनना अच्छा लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा बिल्कुल, पर कोई बात नहीं समझ में आ जाएगा। देख इधर फिगर, क्या चीज? शो द सिचुएशन सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, वो जो गोल गोल घूम रहा था, ऑल पैरामीटर्स आर द सेम एक्सेप्ट द बैटरी ऑफ ईएमएफ एंड द वेरिएबल रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड बिटवीन ओ एंड सी। जो अभी मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड? वो अपनी सर्कुलर ट्रैक है, सबने सवाल पढ़ा है क्या? yes, यार हाँ ना बोल। yes, ऐसे भी सर्कुलर ट्रैक है, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, उस पर अपने वो गोला ऐसे सर्कुलर बोलो, क्लियर है क्या अच्छे से? अरे ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब अपनी जो अपनी एक रॉड है, वो अपनी रॉड ऐसे वही, इसमें से डॉट 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 ऐसे डॉट 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 डी, और ये अपना रियोस्टेट, कुछ याद है आपको रियोस्टेट? और ये अपनी बैटरी ई, ठीक। लेट थीटा बी द एंगल मेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन शोन इन द फिगर, मतलब रॉड अभी कैसे हो गई ऐसे? यार अगर बातें करनी थी तो आए क्यों? डिस्कशन करना था सर, थीटा, बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। During the part of the motion exerted by the only forces active on the rod are gravity and the forces exerted by the magnetic field and the pivot. Pivot मतलब? बहुत बढ़िया। However, during the part of the motion, the resistance R is varied in such a way that the rod continues to rotate with the constant angular velocity omega. Find the value of R in terms of these given quantities.
आप समझो हमने आर को ऐसे वेरी करा, कौन से आर को, ये आर को हम वेरी कर सकते हैं, ऐसे वेरी करा। अच्छा इसकी रॉड की कोई रेजिस्टेंस दी है क्या, इसकी रॉड की, रॉड की कोई रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करी इन्होंने या करिए। अच्छा रॉड को देखो आप, अगर बहुत ध्यान दो तो रॉड कैसे घूम रही है ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अरे पीछे से तुमने पढ़ा है ना, मेरे को थोड़ी याद है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है ओमेगा से और ऐसे है तो कौन सा पॉइंट हायर है, ये की है, कौन सा वाला, नीचे वाला। तो क्या बैटरी ऐसे बनी, बी ओमेगा, रेडियस कितना ले रखा है अपन ने, ए, अरे लूप का रेडियस कितना है, ए, तो बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई टू। अब बोलो ये बैटरी और ये बैटरी, ये सर्किट ऐसे बना, बोलो बना कि नहीं बना, ये एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज सपोर्ट, ध्यान देख, तो करंट कितना हुआ, ई प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई टू बाई आर, पहले तो यह सुन लो, ये करंट है, ये क्या है करंट, इस करंट, करंट ऐसे बह रहा है, तो इस करंट की वजह से इस पे एक फोर्स तो आई एल बी ऐसे लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है एम जी, और हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, क्या ये भी थीटा है, तो क्या इस डायरेक्शन में चलते रहने के लिए या कॉन्स्टेंट ओमेगा से चलने के लिए क्या आई एल बी शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और तो कोई फोर्स है नहीं, आई एल बी शुड बी इक्वल टू, और आई के लिए वहां रख दो तो क्या आर के लिए निकल आएगी, किसके लिए निकल आएगी, देख आंसर आ रहा होगा, आएगा ही हो तो, अरे हाँ ना बोल, आई एल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, और आई के लिए रख दो। उसने बोला कि हम आर को ऐसे वेरी कर रहे हैं, हम आर को ऐसे वेरी कर रहे हैं कि कुल मिला के नेट जो ओमेगा है वो कांस्टेंट रहती है, ओमेगा कांस्टेंट का मतलब टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो का मतलब सेंटर लाइन पे फोर्स जीरो अलोंग द परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो अपन लिख लिया टॉर्क जीरो होने के लिए आई एल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया, आया नहीं है, देख पीछे आंसर आ रहा है क्या, सब लोग करके देख लो 62 को, तुम्हें दिखाई दे जाएगा कि मास्टर ने सही बताया है। देखो एम जी कॉस थीटा आ रहा है नीचे, देखो देखो सन्नाटा, हाँ भाई क्या हो बोलना, अरे मुझे तेरा अपना हो रही कुछ नहीं, साला इस पैंट की जेब इतनी बड़ी है, टैलेंटेड तो हो तुम लोग, कहां पहुंचा 62 63 63, सोच लो, याद कर ऐसा सवाल कि हमने क्लास में कराया था, इसीलिए हुआ होगा तुमसे, हुआ कि नहीं हुआ, सोच लो, अरे पक्का 63 64 64 64 भी क्लास में कराया, तुमने ध्यान नहीं दिया, याद कर एक रॉड वाला सवाल कराया था, कुछ याद हो, बी नॉट डी एल बाई टू, वही है, ध्यान से देख, मैंने एक टफ सवाल है 63 64 में जानता हूं, पर 63 तो मैंने एग्जैक्टली क्लास में कराया है, एग्जैक्टली नहीं, वो भी थोड़ा डिफरेंट, याद कर एक तरफ कैपेसिटर एक तरफ रजिस्टर, तो क्यू बराबर सीवी लिख दो, फिर क्या डी क्यू बाई डी टी इज करंट, याद है निकलवाया था, नहीं याद है, ये वैसे ही सवाल है, और 64 जैसा भी मैंने कराया था एक्जैक्टली वैसे नहीं कराया मैंने, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कराया, ये दोनों ही सवाल, याद करें बी नॉट डी एल बाई टू, यार तू भूल गया मैंने एक्सपेक्ट, यार तुम्हें नहीं याद है, याद है कि नहीं, ये वही सवाल है, पूरा बताऊं यार 63 क्लियर है बोलो एकदम, 64 लिखो, सिमिलर नोट्स में है अगर नहीं हुआ है तो, और ट्राई करो, सवाल अच्छा है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, दोनों अच्छे 63 64, पेज ही अच्छा है ये पूरा, अब आसान पेज है, अब वो एलआर वाला है पूरा टाइम पास, जो तुमने देखते ही छोड़ दिया होगा। हाँ भाई 64 हो गया, 64 के बाद 65 65, अरे भाई साहब 65, अरे भाई साहब 66, अरे भाई साहब 66, अरे भाई 67, अरे भाई 68, अरे भाई 68, अरे भाई 69, अरे भाई 69, अरे भाई 70, ये सब तो हुए होंगे, ये सोच के छोड़ दिया कि ये तो हो ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं करा था, है कि नहीं किया था, पक्का सोच ले, ये
तुम लोग भी ऐसे करते हो, कोई ज्यादा अच्छी रैंक लिया है तो, अरे फोड़ू है तू तो यार, फोड़ू है, ऐसा ऐसे करते हो तुम लोग? ऐसे नहीं करते, किसी की आती नहीं अच्छी रैंक, सब एक जैसे सर, हम किसके नंबर आते हैं। हाँ भाई, सेवेंटी वन, सेवेंटी टू, सेवेंटी थ्री, सेवेंटी फोर, सेवेंटी फाइव, कौन सा डाउट है? एन एल आर सर्किट है सारी कुछ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन ई एम एफ ऑफ इतना टी कॉस जीरो पॉइंट डी आई बाई डी टी। अरे कौन पूछ रहा है यार, ये इक्वेशन लगाओ, आंसर पाओ, क्या बताओ डी आई बाई डी टी में? यार इक्वेशन नहीं बताया तुम्हें 75 की, आई इक्वस टू वी बाई आर, वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, तो डी आई बाई डी टी कितना होगा भाई साहब? डी आई डिफरेंशिएट तो फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गई, फर्स्ट टर्म क्या हो गई, दूसरी टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? डी बाई एल ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अरे यार, आर बाई आर माइनस माइनस प्लस होएगा, आर ने आर को मार दिया, बचा क्या? वी बाई आर, अब टी के लिए रखते जाओ, मैं क्या होता हूँ इसमें, वी दिया है, एल दिया है, ई दिया है, अरे हाँ ना बोल, सब कुछ दिया है, कोई बुरे वाली बात, वैल्यू रखते जाओ, आंसर आता जाएगा, 10 सेकंड, 0 सेकंड, मिली सेकंड, ये सेकंड, वो सेकंड, नहीं आया, पक्की बात, 75, 76, 77, 78, 79, काम कराई नहीं, 79, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, आवाज नहीं, 84, 85, 85, अरे 85, यहां तक पेज खोला ही नहीं था सर हमने तो, 85, 85, 86, 86, सोच लो, 87, 87, 87, पक्का, 88, 88, आवाज नहीं, 88, 89, 80, हाँ पूछे भाई, हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है। A constant current exists in an inductor coil to a battery. The coil is short circuited and the battery is removed. Show that the charge flowing through the coil after the short circuiting is the same as that which flows in the one time constant before the short circuiting. Before short circuiting, हम उसमें constant current बह रहा था। कौन सा सवाल है? 89. Before short circuiting, उसमें constant current बह रहा था। मान लो वो value I थी और ये L था, constant current बह रहा था, तो इसमें कोई induced EMF? तो बढ़िया एकदम बह रहा था, तो किसी भी T time, उसने बोला एक time constant. एक time constant का मतलब क्या? Time constant होता है L by R. क्या होता है? तो भाई एक टाइम कॉन्स्टेंट कितना चार्ज आ जाएगा? आई इंटू एल बाई आर। अरे आई तो कॉन्स्टेंट है ना, आई इंटू इसे आई नॉट मान लो, जो भी आपको मानना है मान लो, आई नॉट एल बाई आर। अब जब मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो इसमें एल और आर दोनों आ गया। ये एल और आर बेसिकली आर कोई नया नहीं आया, इसी का आर को ऐसे बनाया जाएगा। अरे शॉर्ट सर्किट कर दिया तो जो इंडक्टर है उसी में आर भी तो है, तो ऐसे बना दिया जाएगा ना। क्या डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर सर्किट, डिस्चार्जिंग ऑफ, क्या फॉर्मूला डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर सर्किट का? आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, यस और नो? अरे यस और नो? उसने बोला कि जितना चार्ज पहले एक टाइम कांस्टेंट में बह रहा था, पहले बिफोर शॉर्ट सर्किटिंग, सवाल पढ़ा की दुनिया, देख उसने क्या बोला, शो दैट द चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल आफ्टर द शॉर्ट सर्किटिंग, मतलब पूरा आई नॉट, जो पहले शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो पूरा चार्ज बहा, फाइनली इसमें करंट क्या हो गया? जीरो। फाइनली इसमें करंट क्या हो गया? जीरो। तो चार्ज कितना बहा? फाइनली करंट जीरो, तो चार्ज कितना बहा? ध्यान से सोचो, तो इस इंडक्टर में सोचो चार्ज क्या, इसमें पहले फ्लक्स था एल इंटू आई नॉट, कितना था? अब फ्लक्स कितना है? जीरो। पहले कितना था? अब कितना है? जीरो। तो याद का चार्ज फ्लो क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। तो इसमें टोटल चार्ज फ्लो कितना हुआ? टोटल चार्ज फ्लो कितना हुआ? एल आई नॉट अपॉन आर। अभी तो ये हो रही है, बराबरी तो है। अरे यार, ये उसने बोला प्रूव कर दो, तो हमने वैसे ही कर दिया। अरे यार तुम्हें नहीं आया, अरे तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया। सर सवाल थोड़ा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग तरीके से लिखी हुई है, इसलिए आप परेशान हुए, बाकी कोई खास बात यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे सन्नाटो हाँ ना तो बोलो, उतार लो। चलो भाई, हाँ 89 हो गया, 90 में क्या डाउट है?
अरे 90 डाउट है, 90 आसान है, बहुत आसान है। ये ऊपर कितना है रे, कितना है ये, कितना है और बैटरी कितनी की है ई, तो यहां पे जीरो, तो यहां पे ई, यहां पे जीरो, तो यहां पे ई, तो इसमें करंट कितना जा रहा है, ई बाई आठ। और ये तो सिंपल एलआर सर्किट हो गया ना, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई है, इसमें करंट कितना जाएगा, ई बाई आर टू, ई बाई आर वन, वन माइनस ई की पावर माइनस आर वन टी बाई एल, खत्म। अरे तो सिंपल एलआर सर्किट है और सिंपल रेजिस्टिव सर्किट है, दोनों के अक्रॉस ये अलग अलग मान लो आप, तो भी कोई बुराई, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई है और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तो ऊपर वाला प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है और नीचे वाला एलआर सर्किट है, नीचे वाला उसमें कोई रॉकेट साइंस, तो भाई इसमें करंट कितना होगा, यहाँ पे करंट बहेगा ई बाई आर टू और यहाँ पे बहेगा ई बाई आर वन, वन माइनस ई की पावर माइनस आर वन टी बाई एल। इस इक्वेशन में आर टू का कोई रोल नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया, खेला खत्म। आ जाओ कौन सा सवाल था ये, 90, बहुत बढ़िया 91 भाई साहब, 91 अरे 91 अरे सोच लो, अरे 92 अरे काम कराए, अरे 92 अरे 93 अरे 93 अरे सोच लो, अरे 94 अरे 94 अरे सोच लो, अरे 95 अरे 95 अरे 96 अरे 96 97 97 97 98 बहुत बढ़िया। आखिरी पूछ ले ताकि इसे कॉन्फिडेंस रहे कि हमने कराए, क्या कहते हो, स्ट्रेटेजी ऐसी है ना तुम्हारी, अब तुम स्ट्रेटेजी समझ गए ना, क्या क्या पूछ लो तो इसे पता नहीं पड़ेगा, है ना। कई लोग तो सो रहे हैं, 100 पूछ लेते हैं अभी थोड़ी देर में। करंट इन अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर एट एन एंट्रेंस पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अ कॉइल हैविंग एंट्रेंस इज बाउंड अराउंड इट नियर द सेंटर, फाइंड एंड यूज इन द कॉइल। ऐसा सवाल मैंने क्लास में भी कराया है यार, द करंट इन अ लॉन्ग सोलनॉइड ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी। अ कॉइल हैविंग एन टर्न्स इज बाउंड अराउंड इट नियर द सेंटर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान से देखें, क्या मैंने आपको क्लास में सवाल नहीं कराया था, ये वाला कराया था, नहीं कराया, वही सवाल लैंग्वेज में लिख के दे दिया, तो आप लोग इतना परेशान क्यों हुए, ये सवाल कराया था ना, तो साले इसके लिए एन दी हुई है, इसके लिए छोटा एन दी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। अरे हाँ ना बोल, याद कर इसमें हमने किसको वो माना था, और याद कर जब इसमें फ्लक्स लिखा था तो सिर्फ इसी का रेडियस आया था, बाहर वाले रेडियस की जरूरत, वही तो पूछा है यार, वही सवाल है, तुमने फिर पूछ लिया मेरे से। 99